क्वेश्चन नंबर 49 पे अटैक करते हैं सर। सबसे पहले तो आता था ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सर इस क्वेश्चन नंबर 49 में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी, मतलब क्वेश्चन में गिवन ही आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट से बहुत सारी बातें मिलेंगी जिसको अपने को देखना पड़ेगा। आप बताओ क्लोजिंग कैश कितना गिवन है, जितना मैं समझ रहा हूँ 87,500। 87,000 कितना, अगर अपन बात करें तो 87,500 ठीक है क्या? तो सर ठीक है, अगर अपन लेके चले तो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट इज व्हाट 87,500। सर नेक्स्ट जो अपन अटैक करते हैं वो कहीं ना कहीं अपन सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो अगर मैं एडजस्टमेंट देख लूं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड इज 5,500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब अगर आपसे बोले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, जो लेना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड जो कि लेना बाकी है, वो कितना हो गया 5,500। और एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर अपन बात करें तो वो आपके पास अगले साल का कितना आ चुका है, 4,000 रुपए। ये पहली एडजस्टमेंट बोल रही है। अगर आप एडजस्टमेंट को थोड़ा सा दिमाग में रखें तो यहाँ पे आपका आता है बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में। और अगर आप 49 में देखेंगे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ कितना है सर, टोटल दिया हुआ है 1,81,000 ठीक है, प्लस क्या आता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। सर आउटस्टैंडिंग एट एंड अभी तक हमने लिखा कितना है वो 5,500। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके आप आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दे सकते हैं? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके देखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना आपके पास 8,000 रुपए। प्लस अगर मैं बात करूं एडवांस एट बिगिनिंग, तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है क्या? सर 6,000 दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितना आ गया 6,000 माइनस एडवांस एट एंड, माइनस व्हाट एडवांस एट एंड जो कि हमने अभी लिखा वो कितना है तुम्हारे पास 4,000 रुपए। सर ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन को पूरी तरीके से अगर अपन ठिकाने लगाए तो मेरे ख्याल से 6 और 5 11,500 प्लस है और 12,000 माइनस, तो 1,80,500 आना चाहिए। अगर अपन बात करें 1,80,500 ये टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल का आना चाहिए। सर आपको एडजस्टमेंट में एक और बात देकर रखिए, सैलरीज अनपेड कितनी है 6,000, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करना बाकी है, मतलब अपनी क्या है लायबिलिटी, जो कि कितनी हो गई आपके पास 6,000। देन इक्विपमेंट्स नाउ वैल्यूडेड कितना 45,000। तो क्लोजिंग इक्विपमेंट्स कितने हैं आपके पास अगर अपन लेके चले 45,000। अगर अपन बात करें तो क्लोजिंग इक्विपमेंट्स कितने हैं आपके पास 45,000। सर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड को देखना। तो रिसिप्ट साइड में अपन देखते हैं कि आपको बोल कर रखा है डेप्रिसिएशन लगवाना लगाना है किस पे, आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलेट टेबल लगा देंगे अपन। अब आप चेक कर लो ओपनिंग में क्या बिलेट टेबल है क्या, तो क्या उस पर डेप लगाना पड़ेगा, तो डेप ऑन बिलेट टेबल 60,000 का 10%, तो 60,000 का अगर आप 10% देखोगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 6,000, कितना हो जाएगा आपके पास। सर नेक्स्ट लेवल पे चेक करें कि और क्या क्या है। अब रिसिप्ट साइड में देखो आपको दिया हुआ है सेल ऑफ क्या ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आपके पास, तो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कितना शायद 1,500 गिवन है। फिर गिवन है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 का था, कितने मिल जाते 6,000, तो क्या लॉस हो गया, तो टू लॉस ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 10 का कितने में बेचा 6 में, तो 4,000 का क्या हो गया आपके पास लॉस, 10 माइनस कितना 6, दैट इज इक्वल टू कितना 4। नेक्स्ट क्या आपके पास अगर अपन देखें एंट्रेंस फीस मिली आपको कितने की 2,000 ठीक है, ये तो इनकम है, तो बाय व्हाट
एंट्रेंस फीस कितनी? 2000। सर लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम होती है कि लाइबिलिटी होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है। कितनी है वो? 50,000 रुपए। सर ठीक है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, एक बात ध्यान रखना, टूर्नामेंट का फंड बना हुआ, तो जब भी किसी चीज का फंड बना होता है ना फंड, तो उससे रिलेटेड इनकम उस फंड में ही ऐड होती है और उससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस उस फंड से ही क्या होते हैं? माइनस। तो आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी टूर्नामेंट फंड बना हुआ है। सर कितने का फंड बना हुआ है चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो टूर्नामेंट फंड बना हुआ है 60,000 का, तो टूर्नामेंट के लिए कोई भी डोनेशन मिला तो यहीं पे ऐड होगा। आप चेक करो कोई खर्चा भी हुआ है कि टूर्नामेंट के लिए? तो सर टूर्नामेंट के लिए खर्चा भी हुआ है। कितना हुआ है अगर अपन बात करें? 65,000। तो वो यहीं से माइनस हो। तो सर अगर अपन बात करें, पहले बात तो कोई भी फंड कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड। कोई भी फंड कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी फंड कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट। उस फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड होती है और फंड से ही क्या होती है? माइनस। तो सर इन शॉर्ट अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 15,000, ठीक है ना। अब सर आखिरी साइड आ गई पेमेंट। बताओ पेमेंट में क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, कितना कितना बोलो? 60,000। फिर क्या गिवन है? अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, तो ठीक है ग्राउंड्स ग्राउंड्स को मैनेज करना पड़ता है हमको। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास? एड हो जाएगी। कितनी? 6,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो लायबिलिटी में थी, बनती तो है पर अभी तक दी नहीं है, ये क्या हो जाएगी? प्लस। नेक्स्ट अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कितना है? 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्या आपका? स्टेशनरी। तो सर स्टेशनरी पे कितना खर्चा करा आपने? सर स्टेशनरी पे खर्चा करा आपने 15,000 रुपए शायद। फिर क्या क्या खर्चा है? ऑडिट फीस। ऑडिट पे फीस पे कितना करा? 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट नहीं आएगा, ऑलरेडी डाल चुके हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कुछ ऐसा होता है, अगर आप समझेंगे तो। एक मिनट, एक चीज अपन और भूल गए इसमें जो कि हमको कर लेनी चाहिए थी। तो सर वो क्या चीज है एक बार आप देखिएगा जरा। यहाँ पे ना जब आपने सैलरीज लिखा ना, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग माइनस भी होगा, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। तो सर अगर अपन उस ओपनिंग बैलेंस शीट पे फोकस करें तो सर ठीक है। सर सबसे पहले जब आप यहाँ पे सैलरी लिख रहे हो ना, थोड़ा सा सही करो इस चीज को। सर कैसे सही करें? आपको जब आप सैलरीज लिख रहे हो तो लिखेंगे सही पूरी पूरी, आपको पूरा अलग से सिखा देता हूँ। सर कैसे समझिएगा थोड़ा सा यहाँ से, कि जब मैं यहाँ पे सैलरीज लिख रहा हूं तो यहाँ पे आएगा टू सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो कि अपन करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो बताओ सैलरीज थी कितनी? सर सैलरीज थी 60,000 रुपए। इस 60,000 में साल के एंड में कितनी बकाया थी? 6,000। तो ठीक है ना, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दी हुई क्या सैलरीज अनपेड? चेक करो सैलरीज अनपेड कितनी गिवन है? 11,000 गिवन है क्या? तो वो क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। मतलब नेट यहाँ पे आने वाला है 55,000। आने वाला है 55,000। कितना आने वाला है? 55,000। ठीक है सर। अगर अपन बात करें थोड़ी सी आगे की, तो जब आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ऐसे आते हैं टू। यहाँ पे आप लिखते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और इसमें आप करते हो प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस व्हाट? क्लोजिंग। यहीं पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में अगर आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन शॉर्ट में कितना खर्चा करा तूने? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए में बताओ ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे? 50। ओपनिंग कितने के थे? 50। क्लोजिंग कितने के? क्लोजिंग आपकी बैलेंस शीट में दिख रखे हैं, शायद आप एडजस्टमेंट में दिखा 45,000। तो सर इसका मतलब इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज कितने के हुए? 25,000। ठीक है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज कितने के हुए आपके? 25,000 रुपए के। ठीक है ना, इसमें से कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड भी हो गए थे शायद, उस पर लॉस,
शायद वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अभी उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या तुम्हारे पास? इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5% इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? एसेट साइड में। 5% इन्वेस्टमेंट कितने की है आपकी? सर आपकी इन्वेस्टमेंट है 40,000 की। कितने की इन्वेस्टमेंट है? सर क्या इस पे इंटरेस्ट बनता है? यस। कब बनवाई है? अक्टूबर में। तो आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा 40,000 का 5% पूरे साल के लिए क्या? साल के लिए। तो सर 40,000 का वैसे तो 5% कितना होता है अगर अपन बात करें? 2,000। बट आपको पूरे साल के लिए निकालना है कि आधे साल के लिए निकालना है? तो 1,000। तो वो हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बनता तो है पर अभी तक मिला नहीं। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 1,000। अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? क्या सर वो हमारी इनकम भी मानी जाएगी? मैंने बोला हाँ, वो आपकी इनकम भी मानी जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ गया अक्रूड इंटरेस्ट कितना आपके पास? 1,000 रुपए। एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितना बैलेंस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो 180,500 या 182, 184 शायद। यहाँ पे तो आपके पास आ गया 1,85,000 अगर कोई और इनकम नहीं है। ठीक है सर, खर्चे देख लें क्या? तो खर्चों में जितना मेरे को लग रहा है ये हो गया 10 + 55 = 65 = 75 = 90 = 92 और 92 के बाद कितना? 25। अगर मैं बात करूं इस 25 में से एक 10,000 और माइनस होंगे तो इक्विपमेंट सोल्ड हुए। याद करो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी सोल्ड हुई थी? 10,000 की। जो अपन ने यहाँ पे लिखा है ना 10,000 - 6,000, तो इसमें से 10,000 और माइनस आएंगे तो यहाँ पे आपका 25 की जगह कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000 के इक्विपमेंट सोल्ड हुए। अब चेक करो तो सर 10 + 55 = 65 = 75 = 90 = 92 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 1,07,000। तो सर 1,85,000 में से अगर आप 1,07,000 माइनस कर दो तो नेट जो आपका आएगा 78,000 का सरप्लस आएगा, जो आपके बुक से भी टैली हो रहा है। अगर अपन बात करें तो जो सरप्लस आएगा आपके पास वो कितना आएगा? सरप्लस चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं अपन लोग। तो सर ठीक है, बहुत सारी बातें देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है आपको बनाने के लिए और ये 2018-19 में आया भी गया। तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का है, सीबीएसई का है। आप चेक करो, वैसे तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो डाल देना आप लोग। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन? सब्सक्रिप्शन से। तो क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कुछ बातें गिवन है? सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको 70,000 कितना? 500। इसमें क्या आप अगर नीचे देखोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग गिवन है। क्या चेक करो नीचे। तो सर आउटस्टैंडिंग एट एंड शायद है सब्सक्रिप्शन 4,300 और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? अगर चेक करोगे सर वो है 3,400। नीचे की एडजस्टमेंट एक बार 3,400। क्या सर एडवांस भी गिवन है? क्या अगर मैं बात करूं प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस व्हाट? एडवांस एट एंड। तो सर एडवांस एट बिगिनिंग कितना है आपके पास? 2,000 और एडवांस एट एंड कितना है आपके पास? 3,500। सर ये सब क्या बैलेंस शीट में आते हैं? ए ए ले ले यस। तो ये एसेट एसेट और लायबिलिटी लायबिलिटी का पार्ट होता है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें अपन लोग तो कितना आ रहा है आपके पास? शायद अगर अपन ढंग से देखें तो 900 - 1,500 शायद 6,900। चेक करो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे तो शायद 900 प्लस हो गया और यहाँ से 1,500 माइनस 69,900 आना चाहिए वैसे। एक बार चेक कीजिएगा। अगर अपन आगे बात करें तो गेम के आगे क्या गिवन है? सर आगे
नीचे एडजस्टमेंट में देवाने बुक्स ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो अगर तुमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो यहाँ पे लिख दो टू बुक्स प्लस कितना ओपनिंग स्टॉक माइनस व्हाट। तो मुझे खुद बताओ बुक्स कितने की है? सर बुक्स हैं 4000, ओपनिंग स्टॉक कितना आपके पास 8 और माइनस कितना 12000। सर क्या ये ओपनिंग एसेट और ये क्लोजिंग एसेट में जाएगी? तो यहां पे तो हो गया 0। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट देके रखी है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में 25000 की, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बनता है? मैंने बोला हाँ यार एडजस्टमेंट में देखो आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसका अक्रूड इंटरेस्ट अगर अपन देखें अच्छे से तो बताओ इन्वेस्टमेंट है कितने की? 25000 की। ओपनिंग में भी थी तो 25000 का कितना परसेंट? 9%। तो शायद 2250 ये आपका बन जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं रिसिप्ट साइड पे फोकस कर रहा हूँ। रिसिप्ट साइड में क्या है आपके पास? सर एक तो आपके पास क्या है, डोनेशन कितना भैया 5000। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। सर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सही करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट गिवन भी है। सर टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है अगर मैं बात करूं तो 2250 कितना बन रहा है? इसमें से 2000 तो आपको इंटरेस्ट के रूप में गिवन है, तो बताओ अक्रूड कितना हुआ? सिर्फ 250। तो अक्रूड कितना हो गया? सिर्फ 250। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? सिर्फ 250। साल भर का इंटरेस्ट बनता था आपका 2250, उस 2250 में से आपको 2000 तो मिल चुके, मतलब बकाया कितने बचे? 250। हाँ कि ना? तो ये 250 यहाँ पे भी आएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे भी आएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। सर खर्चों के नाम पे देख लें क्या? तो मतलब खर्चों के नाम पे देखोगे तो क्या गिवन है बताओ? सैलरीज गिवन है, कितनी है? 25000। फिर क्या गिवन है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो कितने हैं आपके पास? 4000। फिर क्या गिवन है आपके पास? स्टेशनरी कितनी है? 3000। फिर क्या गिवन है? रेंट, वो कितना है? 42000। रेंट 32000 है, 32000। ठीक है ना, 32। ठीक है, और बुक्स का हिसाब किताब लग चुका है। तो सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल कितना आ रहा है? 69 + 71 = 72 150 यहाँ पे आ रहा है, और 25 + 32 = 67 70 शायद लॉस आ रहा है इसमें। तो सर सरप्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है? 69 + 271 = 77 25000 की तो सैलरीज ही है ना। शायद चेक कर लीजिए फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तुमको। लाइफ मेंबरशिप फीस और कोई इनकम छोड़ दी क्या अपन ने? एक बार चेक कर लो। तो ये 57 + 7 = 64। हाँ, तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा पूरा यहाँ पे कितना? 13150। ठीक है, क्या वो 10000 की गलती हो रही थी? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर व्हाट, 51। क्वेश्चन नंबर 52 साथ में चला रहे हैं तो साथ में चलना क्वेश्चन नंबर 52 के साथ। मैं 52 में चाहूंगा बच्चों से कि बच्चे एक तो दूर दूर बैठ के बातचीत ना करें, एक और दूसरी बात अपन इसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो बैलेंस शीट की जगह बना के रख, क्वेश्चन 2 पेज में होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपका ये क्या हो गया अगर अपन लेके चलो, दिस इज इनकम, दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते। सर इस तरफ क्या रहेगी? लायबिलिटीज, और इस तरफ क्या रहेंगे? ठीक है, क्या अब अगर अपन बात करें तो सर सबसे पहले तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिलहाल अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करूं तो ओपनिंग कैश तो आप डाल लेना, मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनवा रहा हूं सीधे।
बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश कितना है आपके पास? 98,500, ठीक है। सेकेंड अटैक आपका होता ही किस पे है? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना गिवन है अगर आप देखोगे तो? 1,20,000 अगर अपन बात करें तो, 1,20,000 शायद, यस ठीक है। अब इसमें आपको ऐड क्या करना पड़ता है? आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस क्या ऐड होता है? एडवांस एट बिगिनिंग माइनस व्हाट? एडवांस एट एंड। तो सर सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर 2021 मतलब एडवांस एट आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है? 9,000। और एडवांस फॉर 2022 कितना है? 3,500। तो सर यहाँ पे 9,000 प्लस हो जाएगा, 3,500 माइनस हो जाएगा, 1,25,500 यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, वो यहाँ पे आएगा 3,500। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? एसेट मतलब लेना बाकी है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे कितना? 9,000 रुपये। आपको बोला इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तक पे नहीं करी है। और उसके बाद प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहां बोलूं प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो आपके पास हो जाएगा 900, ठीक है। क्या अब अगर अपन बात करें, एक और बात बोल के रखिए, 8% इंटरेस्ट हैज बिन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने की। तो बुक में है इन्वेस्टमेंट की 60,000। तो पहली बात तो आप खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, उसपे कुछ इंटरेस्ट मिल भी चुका है। सर इंटरेस्ट मिला कितना है? 4,000। तो जो इंटरेस्ट मिल चुका है बाय इंटरेस्ट रिसीव, बुक में देखोगे ना रिसिप्ट साइड में, तो इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 4,000। और अक्रूड कितने महीने का? सर अक्रूड है 5 महीने का। तो अगर आपको अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे बताओ अपन क्या 60,000 पे कैलकुलेट कर लेंगे? तो सर आप 60,000 पे कैसे कैलकुलेट करोगे? 60,000 का कितना परसेंट? 8%। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो सर यहां से 0 से 0 गेट कैंसिल, ये शायद 4 2 जा 4 3 जा, शायद 2,000 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास? चेक करो एक बार। हाँ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक कितना केवल? अच्छा इंटरेस्ट ये 1,000 है, ये बुक में शायद 1,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है? 1,000। और अक्रूड कितना आ रहा है आपके पास? देखो इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months, तो ठीक है अगर आपके कैलकुलेशन में 2,000 आ रहा है, बट अक्रूड वर्ड का मतलब क्या बनता है? कितना था? 2,000। और इसका मतलब अब दो इंटरप्रिटेशन है कि बनता ही 2,000 था, तो 1,000 रुपये तो मिल गया है, तो अक्रूड कितना बचा? 1,000। तो ठीक है अब अपन उसको हिसाब से करते हैं कि पूरा इंटरेस्ट बनता कितना था? 2,000। उस 2,000 में से मिल कितना गया है? 1,000। सर इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अच्छे से और आराम से। भाई मैंने तो अपनी FD कराई, कितने ही कराई? 60,000 रुपये। सर कब कराई? 5 महीने पहले। तो इस पर मेरा ब्याज कितना बनता है? 60,000 का 8% कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो गया 3 जा, ये 200, 200 इंटू 2 400, 2,000 रुपये का ब्याज बनता है। 1,000 रुपये बुक बता रही है दे चुके हैं, चेक करो। तो बचा कितना? 1,000 रुपये लेना। तो सर 1,000 बोल रहे हैं दे चुके हैं और बाकी 1,000 बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास? 1,000। कितना आ गया आपके पास? 1,000 रुपीज। सर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बुलेट ट्रेवल कॉस्टिंग 3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट। इससे हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है कि पिछले साल आपने कितने की बुलेट ट्रेवल खरीदी? 3 लाख की। उसमें से आपने उस समय कितने पे करे थे? 2,20 पे कर दिए थे, तो इस साल कितने पे करे होंगे? 80।
तो इस साल जो आपने 80,000 बिलेट टेबल के पे करे हैं वो आपने किस बात के लिए करे हैं? लास्ट ईयर की बिलेट टेबल के लिए। तो इस वाले इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए रिलेवेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, अब एक बार अगर आप रिसिप्ट साइड को देख लो तो रिसिप्ट साइड में क्या क्या बताओ मुझे सर। डोनेशन है कितने का, बोलो डोनेशन कितने का है? डोनेशन है आपके पास 50,000 का। देन आपके पास एंट्रेंस फीस है कितने की, 10,000 रुपए की एंट्रेंस फीस है। फिर और क्या है आपके पास? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक कितना है, शायद कितना 4,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना आपके पास, 1,500। और ड्रामा टिकट्स कितनी है, 10,500। तो 1,500 आपने ओल्ड न्यूज़पेपर भेजे और ड्रामा टिकट्स हैं 10,500 की। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर है और ये ड्रामा टिकट्स। सर जब आप पेमेंट साइड देखोगे ना तो एडजस्टमेंट को ध्यान देना। पहले बताओ सैलरी है क्या? तो सर सैलरी कितनी है आपके पास, बोलो। सैलरी है 20,000। देन रिपेयर एक्सपेंसेस कितने हैं, 5,000। फिर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर तो एसेट में जाएगा। फिर क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहां पे ध्यान देना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने तुम्हारे पास, शायद 5,000। इसमें से कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड, चेक करो। तो प्रीपेड क्या हो जाते हैं, माइनस, चेक करो प्रीपेड है क्या। एडजस्टमेंट में देखो सर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, एसेट में। फिर जब आप इंश्योर